टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एमसीक्यू नंबर 11। मल्टीपल माइलोमा डायग्नोसिस इज मेज विया विच लैब टेस्ट। मल्टीपल माइलोमा की डायग्नोसिस हम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के करते हैं। इसको हमने एक साथ कंफ्यूज नहीं करना है, जिसमें बेंस्टोन प्रोटीन्स का एक यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि जो बेंस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन कौन सा लैब टेस्ट जो हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं, टेस्ट का नाम जो होता है वो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। जो मेथड ऑफ डायग्नोसिस पूछा हुआ है, तो मेथड ऑफ डायग्नोसिस आपकी प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, और जो हमें प्रोटीन्स मिलती हैं उनका नाम बेंस्टोन्स प्रोटीन्स होता है। जो डायग्नोसिस होती है एमेलाइडोसिस की, उसे बेस्ट कंफर्म हम करते हैं रेक्टल बायोप्सी करा के। एमेलाइडोसिस की डायग्नोसिस के लिए हम रेक्टल बायोप्सी कराते हैं। सार्कोमेयर हमें एच जोन में नज़र आता है, व्हाट विल बी सीन ऑन द रिलैक्स मसल। ठीक है, जब सार्कोमेयर आपके एच जोन के अंदर होता है, तो रिलैक्स मसल के ऊपर हमें थिन फाइलामेंट्स नज़र आते हैं। रिलैक्स मसल में हमें थिन फाइलामेंट्स नज़र आते हैं जब आपका सार्कोमेयर एच जोन में होता है। नेक्स्ट टाइम से क्यों दिया हुआ है, जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है जिसमें 922 ट्रांसलोकेशन होती है, वो CML के अंदर होती है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर हमें 922 ट्रांसलोकेशन मिलती है। अब यहाँ पे कॉमन क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन बताई हुई है। सबसे पहले आती है 922 ट्रांसलोकेशन। जो 922 ट्रांसलोकेशन होती है, इसमें आपको जीन प्रोडक्ट BCR-ABL हाइब्रिड बनता है, और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर और लेस कॉमन ALL के अंदर हमें 922 ट्रांसलोकेशन मिलती है। सेकेंड पे आती है 814 ट्रांसलोकेशन, जो कि बर्टकिट्स लिम्फोमा के अंदर होती है, और इसमें CMYC जीन की एक्टिवेशन हो जाती है। 1418 ट्रांसलोकेशन फॉलिकुलर लिम्फोमा में मिलती है, इसमें BCL2 की एक्टिवेशन होती है। 1114 ट्रांसलोकेशन मेंटल सेल लिम्फोमा में होती है, और साइक्लिन D1 की एक्टिवेशन होती है। MD इसका निमोनिक हो जाएगा। मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर साइक्लिन D1 की एक्टिवेशन होती है, और जो फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर BCL2 की, तो इसका निमोनिक हो जाएगा FB। ठीक है, और बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर CMYC जीन की अंदर होती है, तो BC। उसके बाद 1118 ट्रांसलोकेशन, इसमें BIRC3 जीन होता है, उसकी म्यूटेशंस होती हैं, और इसमें क्या होगा कि मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा में 1118 ट्रांसलोकेशन होती है। 1517 ट्रांसलोकेशन प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया प्रोटीन होती है, ये ए प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो होता है, M3AML होता है, उसमें हमें एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया के अंदर 1517 ट्रांसलोकेशन होती है। उसके बाद आता है TEL, 1221 ट्रांसलोकेशन TEL जीन होता है, ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या जो बी सेल ALL होता है उसमें होती है। 1122 ट्रांसलोकेशन में फ्यूजन प्रोटीन जब होगी, और EWS-FL1 जीन इन्वॉल्व होता है, और इविंग सार्कोमा के अंदर 1122 होती है, और CML के अंदर 922 ट्रांसलोकेशन होती है। टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप में 45XO हमें मिलता है। मल्टीपल वॉशिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर मल्टीपल वॉशिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। मल्टीपल वॉशिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी कॉगुलेंट इन द स्टोर्ड ब्लड। तो CDTA जो सिट्रेट होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एंटी कॉगुलेंट है, जो कि हम ब्लड को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ CDTA और सिट्रेट। हेपरिन जो होता है वो नेचुरल एंटी थ्रोम्बोटिक होता है, जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हम वैसे यूज़ करते हैं उसमें CDTA या फिर सिट्रेट को यूज़ करते हैं। सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप को स्टेरिलाइज करते हैं हम टिंडिलाइजेशन से हम सिस्टोस्कोप्स और एंडोस्कोप्स को स्टेरिलाइज करते हैं टिंडिलाइजेशन से सिस्टोस्कोप्स को और एंडोस्कोप्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव के लिए हम मॉइस्ट हीट को यूज़ करेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 15 मिनट के लिए और 15 PSI प्रेशर पे। मॉइस्ट हीट 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स एंड 15 PSI प्रेशर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रिजर्वायर फॉर प्लाक। रोडेंट से प्लाक होता है, ठीक है, जो प्लाक का रिजर्वायर होता है वो रोडेंट्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, स्प्लेनिक इन्फार्क्शन इज एसोसिएटेड विद क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। स्प्लीन के इन्फार्क्ट्स आपको मिलते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। CML के अंदर हमें स्प्लीन की इन्फार्क्शन मिलती है। CML को हम किस तरह से ल्यूकोमाइड रिएक्शन से डिफरेंशिएट करते हैं, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होती है LAP लैब जो होती है, इससे हम डिफरेंशिएट करते हैं ल्यूकोमाइड रिएक्शन को क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया से। ALP जो होता है वो भी डिक्रीज होता है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर एज कम्पेयर टू ल्यूकोमाइड रिएक्शन। अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी डिक्रीज होगा CML के अंदर, और ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज से हम डिफरेंशिएट करते हैं CML को ल्यूकोमाइड रिएक्शन से। एंडोजिनस पिगमेंटेशन से हीमोसिड्रोसिस होती है। एंडोजिनस पिगमेंटेशन हीमोसिड्रोसिस में होती है। येलो ब्राउन ग्रेन्यूल्स नज़र आए हिपैटोसाइट्स के अंदर,
और हेरिडिटरी हीमोक्रोमाटोसिस आपने डायग्नोज किया। अब ये ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ब्लू हो गए जब आपने प्रूसिन ब्लू से उसको स्टेन किया, तो ये हीमोसिड्रिन होगी। हीमोसिड्रिन ब्लू कलर की हो जाती है जब प्रूसिन ब्लू से हम स्टेन करते हैं, और हेरिडिटरी हीमोक्रोमाटोसिस है तो इसमें इसको हीमोसिड्रिन की ही डेपोजिशन होगी। आयरन जो पेरेन्काइमा ऑफ ऑर्गन के अंदर स्टोर हो जाती है वो फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। आयरन जो स्टोर होती है आपकी पेरेन्काइमा के अंदर वो फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होती है, ऑर्गन्स के अंदर पेरेन्काइमा में फेरेटिन के फॉर्म में आयरन स्टोर होती है। जो हीमोक्रोमाटोसिस होती है इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है इसमें हम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कराते हैं, लीवर की बायोप्सी कराते हैं जो कि एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, और फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन करने के लिए हम HFE जीन की म्यूटेशंस को चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया? स्टाफ और ये सबसे कॉमन कॉज है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया की, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया की जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है वो स्टाफ ऑरियस है। अब 29 ये ओल्ड रिमोट एरिया के अंदर गया और वहाँ पे उसको वाटरी डायरिया हो गया एक हफ्ते से, लेकिन कोई ओकल्ट ब्लड नहीं आ रहा है। डायरिया जो है दो हफ्ते के बाद ठीक भी हो गया, तो लाइकली कॉज क्या होगी? अमीबा की वजह से उसको डायरिया डेवलप हो गया। तो रिमोट एरिया के अंदर जाओ और अगर डायरिया हो जाए तो वो अमीबा की वजह से होगा। लाइपोफुशन हमें हार्ट, लिवर और किडनी में मिलता है। इसका निमोनिक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं HLK से, कि हार्ट, लिवर और किडनी के अंदर लाइपोफुशन पिगमेंट की डेपोजिशन हो जाती है। अब एक 90 ओल्ड फीमेल थी, इसका लाइपोफुशन पिगमेंट जो है वो हिस्टोलॉजी रिपोर्ट के ऊपर नजर आया कार्डिक मसल्स के अंदर, तो ये इंडिकेट करता है ऑटोफेगी को। अगर आपको लाइपोफुशन नजर आएगा कार्डिक मसल्स की हिस्टोलॉजी के ऊपर तो इसका मतलब है कि ऑटोफेगी हो रही है। एक फीमेल है उसकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज से डेथ हो गई, तो लाइपोफुशन आपको नजर आ रहा था कार्डिक फाइबर्स के अंदर हिस्टोलॉजी के ऊपर, और हार्ट का जो साइज था वो नॉर्मल था। लाइकली कॉज क्या होगी? एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस की वजह से आपको लाइपोफुशन नजर आता है, और ऑटोफेगी की वजह से आपको जो है वो लाइपोफुशन नजर आता है। 13 ये ओल्ड गर्ल थी, उसको फटीग है, रिकरेंट अनीमिया, बार बार अनीमिया हो जाता है, पेल है, जॉन्डस्ट है, और स्प्लीन की जो टिप है वो पैल्पेबल है। जब आपने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव था, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमें मिलेंगे वो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर या सीरोसाइट्स हमें मिलेंगे जो कि जिसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होता है। नाउ कुछ G6PD की MCQs ये हैं। हेंस बॉडीज हमें G6PD के अंदर मिलती हैं। जो हॉवल जॉली बॉडीज होती हैं वो हमें सिकल सेल एनीमिया और स्प्लीनेक्टोमी में मिलती हैं, और जो हेंस बॉडीज होती हैं और जो बाइट सेल्स होते हैं वो हमें G6PD की डेफिशिएंसी में मिलते हैं। बाइट सेल्स G6PD की डेफिशिएंसी में मिलेंगे हॉवल जॉली बॉडीज और सिकल सेल एनीमिया के अंदर, और हमें स्प्लीनेक्टोमी में मिलती हैं। हेप्टोग्लोबिन कम हो जाता है, हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है G6PD की डेफिशिएंसी में? ये एक सेल्फ लिमिटिंग हिमोलिसिस होती है। G6PD के अंदर सेल्फ लिमिटिंग हिमोलिसिस होती है, G6PD में हेप्टोग्लोबिन के लेवल कम हो जाता है। नाउ G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर एक तो हेप्टोग्लोबिन के लेवल कम हो जाते हैं, साथ G6PD की डेफिशिएंसी के अंदर सेल्फ लिमिटिंग हिमोलिसिस होती है। डेप्सोन्स आपने एक लेडी को दिया है और उसको एरिथेमा नोडोज़म था, आपने डेप्सोन दी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया, अब उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 6 है, MCP 110 है, तो डायग्नोसिस में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। जब MCP 110 हो इसका मतलब है कि उसका जो सेल्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेप्सोन इज गिवन टू अ लेडी फॉर एरिथेमा नोडोज़म बाय डर्मेटोलॉजिस्ट एंड नाउ शी हैज़ डिक्रीज हीमोग्लोबिन एंड पेरिफेरल स्मेयर के ऊपर आपको एबनॉर्मल और स्मॉल इररेगुलर सेल्स नजर आएंगे, तो फिर वो G6PD की डेफिशिएंसी होगी। अगर तो आपको छोटे इररेगुलर सेल्स नजर आ रहे हैं तो G6PD की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि G6PD के अंदर आपको वाइट सेल्स नजर आते हैं। लेकिन अगर आपके सेल्स एनलार्ज हो गए हैं और आपको MCP भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और हीमोग्लोबिन कम है, तो वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस फॉर द प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा? प्रोस्टेट कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा आपके वर्टिब्रा के अंदर स्प्रेड करता है। एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको बिलरी कॉलिक था, रैश था, कॉलिस्टेसिस है, ठीक है। बिलरी कॉलिक भी हो रहा है, रैश भी है और कॉलिस्टेसिस भी है, कॉलीलिथियसिस भी है, गाल स्टोन्स हुए हैं, रैश है और बिलरी कॉलिक है, तो उसके आप ALP के लेवल्स कराओगे, ALP उसका रेज्ड होगा। ALP रेज्ड होता है बिलरी कॉलिक, रैश या कॉलीलिथियसिस वाले पेशेंट्स के अंदर। अगर गाल स्टोन्स हैं, रैश हो रहा है और बिलरी कॉलिक है, तो ALP रेज्ड होगा। विच इज़ प्रोड्यूस बाय कार्सिनॉइड ट्यूमर? सेरोटोनिन प्रोड्यूस होती है कार्सिनॉइड ट्यूमर से, कार्सिनॉइड ट्यूमर आपका सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करता है। RBCs प्रोटेक्टेड होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट की वजह से, HMP शंट की वजह से RBCs को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता है। अब एक पेशेंट था, उसको शदीद सर में दर्द है, नेक स्टिफनेस है, साथ उसका इंटरक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हुआ हुआ है, लंबर पंक्चर के ऊपर आपको ब्लड स्टेन CSF नज़र आ रहा है, तो सबरेक्नॉइड हैमरेज होगा। सबरेक्नॉइड हैमरेज के ऊपर हमें LP के ऊपर ब्लड स्टेन CSF नज़र आता है, स्वेयर हेडेक होगा, वॉमिटिंग होती है, नेक स्टिफनेस होती है।
स्टोन अगर पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट के अंदर होगा तो उसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड की एपोप्टोसिस डेवलप हो जाती है। जो राइट शिफ्ट होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की, वो एसिडोसिस की वजह से होती है। अगर तो एसिडोसिस होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। अब जो राइट शिफ्ट होती है इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो गई है और ऑक्सीजन की जो टिश्यूज़ के अंदर डिलीवरी है वो ज़्यादा होगी। इसको हम ब्रोहर इफेक्ट कहते हैं और इससे आपके P450 इंक्रीज़ कर जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, जब pH कम होगी एसिडोसिस होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जब 2-3 DPG ज़्यादा होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट में सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ pH कम हो रही है। अब जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा हो गई है और टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम हेल्डेन इफेक्ट करते हैं। ठीक है, HL हेल्डेन के अंदर L आता है ना, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो होगी ना वो आपकी हेल्डेन इफेक्ट होगी और बोहर राइट, ठीक है, BR राइटवर्ड शिफ्ट को हम बोहर इफेक्ट करते हैं। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होती है जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, 2-3 DPG कम हो जाएगा, और साथ ही जब आपकी फीटल हीमोग्लोबिन होगी या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी, या जब आपकी पीएच ज़्यादा हो जाती है। अब जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है इसके अंदर आपकी पीएच ज़्यादा होती है, बाकी सब कम होता है, और जो राइट वर्ड शिफ्ट होती है उसके अंदर सब कुछ ज़्यादा होता है, सिर्फ आपकी पीएच कम होती है। ट्यूमर विद नर्व शीट इन्वॉल्वमेंट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा इसको होना चाहिए या फिर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा आना चाहिए। फ्यू डेज आफ्टर द इन्फेक्शन विद टाइफाइड द ऑर्गेनिज्म रिजाइड इन, कुछ दिनों के बाद टाइफाइड के इन्फेक्शन के अंदर तो जो टाइफाइड होता है वो रिजाइड करता है आपके पियर्स पैचेस के अंदर। टाइफाइड आपके 1-4 हफ्ते तक पियर्स पैचेस के अंदर रिजाइड करता है और गाल ब्लैडर के अंदर 4 वीक्स के बाद या 1 मंथ के बाद रिजाइड करता है। अब एक प्रेगनेंट लेडी थी, 3rd trimester के अंदर आई है और उसका ग्रोथ हार्मोन अनचेंज रहेगा। प्रेगनेंट लेडी का ग्रोथ हार्मोन अनचेंज रहता है 3rd trimester में। इसीलिए आपने एक पेशेंट की कराई, आपको पी वेव एबसेंट नज़र आ रही है, पी वेव नहीं है उसके अंदर, QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है, टी वेव आपको नजर आ रही है, बट वेयर शुड बी द पेसमेकर, तो पेसमेकर एवी नोड के ऊपर होगा अगर आपको एबसेंट पी वेव मिल रही है। कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन का जो रेट रिदम जो कंट्रोल होता है वो नीमोटैक्सिक होता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन रेट और रिदम का नीमोटैक्सिक होता है। जब आपके नीमोटैक्सिक सेंटर का डैमेज होगा तो आपकी डीप ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी जब आपका नीमोटैक्सिक डैमेज सेंटर का डैमेज होगा। नॉर्मली ये तो एक्सेसिव डीप ब्रीदिंग को प्रिवेंट करता है जो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एपनियोस्टिक सेंटर। जो एपनियोस्टिक सेंटर होता है ये शैलो इरेगुलर ब्रीदिंग कराता है, नॉर्मल प्रमोट करता है। डीप एपनियोस्टिक सेंटर आपकी डीप ब्रीदिंग कराता है और जो नीमोटैक्सिक सेंटर होता है वो डीप ब्रीदिंग को प्रिवेंट करता है। अगर तो ट्रांजेक्शन आपकी अबव द लेवल ऑफ पॉन्स हुई है तो कोई इफेक्ट नहीं होता है रिस्पायरेशन के ऊपर। अगर तो ट्रांजेक्शन पॉन्स से ऊपर हुई है तो नो इफेक्ट ऑन रिस्पायरेशन। ट्रांजेक्शन अगर मिड पॉन्टाइन लेवल के ऊपर होगी और अगर आपकी वेगस कट होगी है तो एपनियोसिस हो जाएगी। अगर तो हमारे पास ट्रांजेक्शन आपकी पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन के ऊपर हुई है तो इरेगुलर ब्रीदिंग होती है, और अगर मेडुला से नीचे ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका स्टॉपेज हो जाती है रिस्पायरेशन की। अगर तो मेडुला से नीचे आपकी ट्रांजेक्ट कर गई है आपकी जो आपका पॉन्स और मेडुला, अगर आपका ट्रांजेक्ट कर गया है मेडुला से नीचे, अगर आपकी ट्रांजेक्शन होगी कट गया है तो रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाएगी। रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज होता है, दैट इज नीमोटैक्सिक। ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स आर कंट्रोल बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, जो इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स होते हैं इनको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है, जो कि इनिबिट करता है इंस्पिरेटरी सिग्नल्स को फ्रॉम एपनियोस्टिक सेंटर से। लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब ओवर डिस्टेंशन होती है लंग्स की, जो कि डिक्रीज करता है आपके रिस्पायरेटरी रेट को हेयरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ एक 40-year-old man था जो कैंपिंग पे गया वेकेशन पे अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे उसने स्विमिंग की फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर्स में स्विमिंग करने से उसको नौजिया वॉमिटिंग हुई। उसके बाद उसने अजीब अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया। आप इमरजेंसी में लेके आपने ब्लड सैंपल कराया, स्पाइनल टैप कराया, तो आपको रैपिडली प्रोग्रेसिव मेनिंजो एनकेफलाइटिस मिला। तो जो रैपिडली प्रोग्रेसिव मेनिंजो एनकेफलाइटिस और फ्रेश वाटर में रहने की वजह से होता है, उसमें जो प्रोटोजोआ इन्वॉल्व होता है दैट इज नाइग्लेरिया फाउलारी।